भारतीय जनता पार्टी व महानगर युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को एक निजी हॉल में युवा सम्मेलन अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा के साथ संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि देश व प्रदेश में विपक्ष जितनी ताकत लगा ले, देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार बनती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी दलित, शोषित, किसान, व्यापारी और सभी वर्गों के उत्थान हेतु जन्म हुआ है। उन्होंने बताया कि युवाओं से निवेदन किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का संकल्प लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा, मेहमानी मुख्य अतिथि के स्वागत पर मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा सम्मेलन आयोजित कर रही है, उसी संदर्भ में आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है। गोरखपुर मेरे लिए नया नहीं है, गोरखपुर में मेरी कर्म भूमि रही है। 5 साल मैं मोटरसाइकिल से गली गली यहाँ पर घूमा भी हूँ, 95 से लेकर 98 तक। गोरखपुर में जब भी किसी कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। आज मैं आपके बीच में आकर के मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे सुअवसर दिया है आपसे संवाद करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, माताओं बहनों के लिए पिछले 5 सालों में क्या क्या किया गया है, इसकी चर्चा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने की। भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया इसकी भी चर्चा हुई। आज हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले लगभग 8 वर्षों में मोदी सरकार ने इस देश को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए, इस देश के द्वारा पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करना और साथ ही साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता आज हिंदुस्तान के पास है। एक दिन वह भी था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से समय मांगते थे तो सालों साल समय नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो 2-4 मिनट मिलता था। लेकिन पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आज दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं वह सभी ताकतवर देश
सबको ये पता है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के साथ चलना होगा, हिंदुस्तान के पीछे चलना होगा। के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के हित में, देश हित में काम किया है, गांव गरीब किसान मजदूर के हित में काम किया, उन सारे विषयों को लेकर के हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं और युवाओं से निवेदन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प है।